आप लोग शिफ्ट होना चाह रहे हैं पे शिफ्ट कर अपना एक बार क्लास शिफ्ट भी करना आप लोगों की तो क्या बोले लोग आपको कौन बोले आप लोगों को आपका पूरे बेंचा वेंचा सब वहाँ पे लेके चले गए थे। अच्छा अच्छा आप लोग क्या चाह रहे हैं आपका स्कूल यहाँ ही रहना राइट आपके छोटे भाई यहाँ प्राइमरी में है यहाँ पे हाई स्कूल है या प्राइमरी है इंशाल्लाह आपका स्कूल चेंज नहीं होगा ठीक है थैंक यू शिफ्ट कर रहे हैं मुझे मालूम हुआ बच्चों को वहाँ से यहाँ पे फिर वापस ला दिए मुझे मालूम हुआ वहाँ पे बच्चों को नहीं आना बोल के बोले तो क्या वजह से शिफ्टिंग हुई है ये तो पूरे टीम की है वो पीछे का है तो ये भी दो 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 पार्ट में चल रहा ना है मॉर्निंग और इवनिंग आफ्टरनून चल रहा है जी हाँ तो लैबोरेटरी में तो बच्चे नहीं है वहाँ पे नहीं है डिलेबरेटेड में नहीं है वो तो अभी डिलेबरेटेड वैसे ही से हो ये जो टीन शेड का है इसको फेरोज खान 2009 में पूरा रिपेयरिंग करवाए थे टीन शेड डलाए थे टॉयलेट्स बनाए थे इसके पूरे इधर के रूम्स वगैरह बनाए थे वाटर टैंक्स लगाए थे यहाँ पे जी जी तो लिहाजा क्या है मोहल्ले के बच्चे हैं दूसरी जगह कामाटी पूरा शिफ्ट करें आप अगर इनको अगर आप इनको थोड़ा गुजर कर ये बोल तो बड़े जो है हाई स्कूल में छोटे प्राइमरी में है तो घर वालों की भी परेशानी होती है और मोहल्ले वाले भी नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ से जाना टीचर्स भी आपकी टोली चोली वगैरह से आ रहे हैं डीओ को बोलेंगे हम रिपेयरिंग करवा देंगे हम हमारे पैसों से उसको रिपेयरिंग करवाएंगे नहीं भी तो एक नेम पता चला है ये मेन रोड पे है मासूम बच्चियाँ आते हैं जी रेंटेड आपसे नहीं है 70 साल से रेंटेड है 70 साल से रेंटेड ये तो जाफर साहब कौन जाफर साहब MLA साहब खरीद लिए शायद क्या उनके अपनी के नहीं आपका डेजिग्नेशन आप आना जाना दिया मैं स्कूल का जाना दिया तो हम लोग यहाँ एक नया प्रपोजल क्या रखे बहुजन शाह स्कूल एक कपा चपुतरी में प्राइवेट बिल्डिंग में करना पड़ता है जी वो स्कूल अब क्या होगा उनकी जाति बिल्डिंग बन गई जो राजा सिंह के एरिया में बोसा महल का जी अजय बोसा महल साहब का इलाका बोसा जहाँ पर मौजम शाही पहले यूसुफ नगर ओके ओके बोलिए उसमें चलता था तो वो बिल्डिंग खाली है तो वहाँ के ओनर क्या करे NOC हम जो है ना चलाना चाह रहे हैं वहाँ के लोग वहाँ पे पढ़ेंगे यहाँ के मुकामी लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अब ये डीओ क्या करें मालूम है तेलुगु मीडियम स्कूल में जबरदस्ती के जन ऑर्डर दिए तेलुगु मीडियम स्कूल में आप लोग बच्चों को शिफ्ट करें बच्चों को दिए मासूम बच्चों का हाथ पकड़ के निकाल के छोड़ दिए यहाँ पे नहीं पढ़ना बोले बोले लेटर भी दिए फिर टीचर्स को भी ये वार्निंग दिए देखिए अम्मा हमारे जगह बच्चे सेफ्टी नहीं है बच्चियों को सेफ्टी नहीं है खुला जब उन्होंने बोल रहे हैं नहीं जाफर साहब खरीदने दीजिए कौन से भी साहब खरीदने दीजिए हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे और 70 साल से स्कूल चल रहा है यहाँ जाफर साहब खरीदने का स्कूल उठा देंगे करना चाहिए मगर वो लोग क्या बोल रहे हैं एक एग्रीमेंट जो है ना 7 रूम्स हम बना के देंगे जब भी बिल्डिंग बनेगी इसमें 7 रूम्स ठीक नहीं होना बना के देंगे इंशाल्लाह नहीं खाली होगा अम्मा स्कूल बिल्कुल बिल्कुल अम्मा अच्छा करना नहीं नहीं साफ सफाई नहीं कराएंगे हमारे पैसों से साफ सफाई करा के रिपेयरिंग करवा देंगे जी जी घर का ना उधर का ठीक है चलिए अम्मा कोशिश करेंगे डीओ से भी मिलता
नहीं बिल्कुल कोशिश करेंगे, बराबर डीओ को बोलेंगे, बराबर धरना देंगे, ये पूरे बातें आप जो है ना उनके उसमें आप जो है ना आपके रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, 70 साल इमीडिएटली हैंड ओवर कर दो ओनर को। आप डीओ है या फिर ओनर के एजेंट है? हमारी माफिया जो है पढ़ाने आ रही, कोई चोरी शोरी से, कोई शेरपेट से आ रही, वो लोग क्या के वहाँ पे पढ़ेंगे? नहीं बिल्कुल करेंगे साहब, यहाँ पे देखो आप 150-200 बच्चे हैं, प्राइमरी में भी है, हर चीज में है। देखो आप क्लास चल रही है, कितना अच्छा माहौल है, देखो क्लासेस चल रहे, कितना अच्छा माहौल है। बोला एडमिशन अभी नहीं कर रहे, 40 बच्चे दिख रहे हैं आपके, दिख रहे हैं बोले 40 बच्चे का, 70 बच्चे बोल के पटना का आना चाह रहे तो एडमिशन आने देंगे, पर खत्म करने की साजिश हो रही है। क्या क्या खा लिए, क्या है? मैं आपसे शाम में फिर इंशाल्लाह मुलाकात करता हूं, मैं को तमाम डिटेल्स देना आप, अभी एक मिनट में वो कर देता हूं। बच्चों को ला के यहाँ पे बिठा रहे हैं, ये तो दादागिरी है ना साहब, भेजे थे। ये बच्चों को दादागिरी से बिठा रही, क्या बताओ ये मन शर्म की बात है, बैठक का अड्डा बना दिया यहाँ पे, शर्म। ये बिस्तर है, ये बताओ, ये नामपल्ली के उर्दू स्कूल की हालत है, यहाँ बच्चे पढ़ने से बताओ। ये क्लास पढ़ाई, ये स्कूल का बोर्ड है, ये स्कूल के बोर्ड को बिस्तर बना लिए, ये बच्चे बगैर बोर्ड के पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ब्लैक बोर्ड है स्कूल का, जो निकाल के उसको नीचे फेंक दिए, ये गुंडों का साथ देने वाले, गुंडों को लेके काम करने वाले लोग, क्या कौम के लिए काम करेंगे, क्या मुल्क के लिए काम करेंगे, ऐसों की जिंदगी पे थू है, नसीहत नहीं हो रही ऐसे लोगों को अभी तक। इंशाल्लाह ये उर्दू स्कूल बराबर उर्दू स्कूल रहेगा, बेहतरीन मजबूत स्कूल है, 19 इंच के इसके दीवारा है, इसको हम रिपेयर भी कराए थे, 2009 में रिपेयर कराए, 2013 में भी इसको रिपेयर कराए थे, इंशाल्लाह डीओ से बिल्कुल बात करेंगे। निकाल दिया अम्मा, ये मेन रोड से स्कूल का बोर्ड भी निकाल दिए, ये यहाँ के हमारे बहुत जईफ खातून है, हमारे अम्मा है यहाँ पे, ये बता रहे हैं इनकी पूरी जिंदगी यहाँ पे निकल गई, ये स्कूल का बोर्ड भी निकाल लेके ये कर रहे हैं, कोई ये आरएसएस वाले नहीं कर रहे हैं, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद वाले नहीं कर रहे, ये यहाँ के चुने हुए लीडर कर रहे हैं चंद पैसों के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, मैं आज नामपल्ली हलके में हूँ, और नामपल्ली मेहंदीपट्टनम को जाने की मेन रोड पे गवर्नमेंट पब्लिक उर्दू स्कूल है, जो 70 साल से यहाँ पे चलता, काफ़ी लोग यहाँ से पढ़ के निकले सो है, आज ये उर्दू स्कूल बहुत ख़तरे में है, यहाँ पे कुछ सियासी ताकतें इसका एग्रीमेंट कर लिए और ये स्कूल को शिफ्ट करना चाह रही। साबेखा में भी 2009 में भी हमारे भाई फेरोज खान साहब इसको पूरा क्लासरूम्स बनाए, टीन शेड्स डलाए, वाटर टैंक डलाए, वॉशरूम्स बनाए, क्लासरूम्स बनाए, यहाँ पे टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, दूर दूर से हमारे ख़वातीन बहनें आती हैं शेखपेट वगैरह से, और यहाँ पे मासूम बच्चे प्राइमरी में भी पढ़ते और हाई स्कूल में भी पढ़ते। इन लोगों को हमारे डीओ इमीडिएटली खाली करो, खाली करके ओनर के हाथ को उसको दे देने के लिए ऑर्डर दिए। ये नामपल्ली में है, कहीं और दूर नहीं है, एक ही स्कूल बचा उर्दू, उर्दू हमारी मादरी जबान है, उर्दू बचाना हमारा फ़र्ज़ है। आज ये चंद पैसों के लिए हैदराबाद में खबरस्तान नहीं बचा, गुम्बजा नहीं बचे, मसानगट्टी नहीं बची, पानी के कुंटे नहीं बचे, अब ये गवर्नमेंट स्कूल्स बच गए, ज़मीन तो कहीं बची नहीं, लिहाजा ये बेचना है, तो इतने गिर गए हैं लोग इसका। भाई अभी कोई साहब बोले यहाँ का कोई फलाने साहब एग्रीमेंट करे इसका, मैं उनका नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, एग्रीमेंट करें और खाली कराना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्लासरूम्स में बोर्ड्स निकाल दिए, और बोर्ड्स निकाल दे के पूरा बिस्तर वगैरह ला के डाल दिए, यहाँ पे
गुंडों की बैठक हो रही है रात में, तेलंगाना पुलिस से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे रात में गुंडों की बैठक हो रही है, सुल्तान दरबार होटल के सामने ये स्कूल है, पूरी दीवारों पे भी गुटकों के थूक आए बच्चों के क्लासेस में, बच्चे तो गुटके नहीं खाते, लिहाजा इस पे एक्शन लीजिए। यहाँ पे बच्चियाँ यहाँ से पूरा स्कूल शिफ्ट करें दूसरी जगह पे, जहाँ पे स्कूल शिफ्ट करें वहाँ के स्कूल अथॉरिटी तेलुगु स्कूल में इसको मर्ज कर रहे हैं, तेलुगु स्कूल वाले सामान स्कूल का निकाल के फेंक दिए, बच्चियों को ये अल्फाज बोले कि आप लोग यहाँ पे नहीं आना और यहाँ पे नहीं पढ़ना, जहाँ आपका स्कूल था आप वहाँ पे जाना वरना आपकी सेफ्टी नहीं रहेगी। वापस सामान लाके यहाँ पे डाल दिए। यहाँ के मोहल्ले के लोग भी यही चाह रहे हैं कि 70 साल से ये स्कूल है, स्कूल सहूलत होती मोहल्ले के लिए, कहीं दूसरी जगह आप डाल देंगे तो कैसे आएंगे। प्राइमरी के बच्चे हाई स्कूल के बच्चे दोनों भाई बहन मिलके जाते, एक प्राइमरी में एक हाई स्कूल में, बोल तो कैसा डिलैबरेटेड है, आज से नहीं 70 साल से डिलैबरेटेड है, टीन शेड है, फिरोज खान इसको रिपेयरिंग करवाए पूरा टीन शेड, यहाँ पे पूरे जो डिलैबरेटेड हिस्सा है पीछे है, स्कूल का बोर्ड भी निकाल के कोने में फेंक दिए। पैसों के लिए ये लोग इतने ग्रीडी हो गए हैं कि इनको अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज ये स्कूल का नंबर आया, कल बाहर जूस वाले का आएगा, मोची का आएगा, बाजू दुकानों वालों का आएगा, पान डब्बे वालों का आएगा, बहरहाल सबके पेट पे ये लोग लात मारना चाह रहे हैं। मैं आवाम से भी अपील कर रहा हूँ, नामपल्ली की आवाम से खुसूसी अपील कर रहा हूँ, मेरे भाई आगे निकलो आप लोग, इनके बाप से भी डरने की जरूरत नहीं है, हक पे अल्लाह साथ देता हमारा, आज हमारा स्कूल यहाँ से मिटा देंगे, आपको लेके जाके वहां डाल देंगे, अफजल सागर में डाल देंगे तो कैसा होता बोलिए आप लोग। मोहल्ले के लोग हमारे अंसारी भाई, हमारे कामरान भाई सब जने, हमारे पूरे ये हमारे स्कूल के हिसाब है, सब जने यही चाह रहे हैं कि ये स्कूल यहीं पे रहना। और ये ज़ईफ खातून के भी दो अल्फाज सुनिए, रात में इनको भी टॉर्चर कर रहे हैं, हाँ इन्हों यहाँ पे ही सोते, यहाँ पे इनका कई बार टीवियों में बता दिया, कई बार अखबारों में भी डाला, ये अपना गुजारा बाइज्जत सामान किराना का सामान सिगरेट गुटखा बेच लेके कर लेते। आज इनके ऊपर ये ज़ईफ औरत के ऊपर भी एक आफत आ गई, तो लिहाजा शर्म का मुकाम है, मेरा वीडियो देख के आप समझ जाओ, कब्रस्तान भी नहीं छोड़ रहे, आप मसानगट्टी भी नहीं छोड़ रहे, आप पानी के कुंटे भी नहीं छोड़ रहे, लिहाजा सुधर जाओ, आपके पीछे उस्मान खान फेरोज खान नामपल्ली की आवाम है, लिहाजा अल्लाह का डर रखिए आप। हम हिंदू मुस्लिम यहाँ पे मिलके रहते हैं, उर्दू के लिहाज बचाने के लिए यहाँ पे महेश भाई, मुरली भाई, नरेश भाई, सुरेश भाई सब जने आए हुए हैं। आप अपना एग्रीमेंट, आपको फिर मैं बोल रहा हूँ, आप कैंसिल कर दीजिए, ना दीन के रहेंगे ना दुनिया के रहेंगे। और ये उर्दू स्कूल जो मेहंदीपट्टनम रोड पे है सुल्तान दरबार के सामने, इसको बचाने के लिए सब जने आगे आइए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।